हे समीर, तू यहाँ? क्या सारी ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? बेटा, घर तो एक एक ईंट लगा के ही बनता है ना। समीर का भविष्य भी तो उसे रोज रोज स्कूल भेजने से बनेगा ना भाई। मतलब समीर को रोज स्कूल न भेजकर उसके भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हो। फिर वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? हाँ, स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। माँ, ये हम स्कूल ले जाएं? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है, रोज रोज तैयार हो जाते हैं। तो ये अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। आज अचार, कल मेला, परसों शादी, स्कूल न भेजने के हजार बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो एविन का। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो, स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। भाई वाह, बढ़िया फसल है तेरी इस बार। रोज की मेहनत का नतीजा है काका। ऐसे ही तेरे बच्चे रोज रोज स्कूल जाए तो नतीजा अच्छा होगा। नाम तो लिखवा दिया है। अच्छा, तो खेत में भी बीज बो के ही छोड़ देते? हाँ। सुनो, काम छोड़ो, स्कूल जाओ। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो। स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें।